आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अलहमदिल्ला ठीक हूँ। मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, पर अभी भी मुझे नींद आ रही है। मेरा दिल कर रहा है मैं सो जाऊँ। अहमद स्कूल गए हुए हैं, बीवी शापी भी अहमद को लेती हुई आएंगी। मम्मी गई हुई हैं, पापा हैं दूसरे रूम में, और मैं अभी सो उठी हूँ। मैं पहले वॉश करने जाऊंगी, फिर नाश्ता बनाऊंगी, पर मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे ठंड लग रही है। मैं क्या करूं, सो जाऊं? बाद में वॉश करने जाऊंगी पहले, फिर नाश्ता बनाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं उठ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। ओके। मैंने फेस वॉश कर लिया है। मैं बनाने जा रही थी नाश्ता, बट क्या हुआ, वाईफाई वाला आ गया। तो पहले वाईफाई लगेगा, तो फिर मैं उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊँगी। अब ये चली जाए तो फिर नाश्ता बनेगा। मुझे लग रही है भूख, मुझे वैसे ही बहुत भूख लगती है, तो मुझे भूख लग रही है। उनके जाने का वेट हो रहा है, अभी चले जाएं तो हम नाश्ता बनाएंगे। और अहमद भी स्कूल से आ गए हैं, बज रहे हैं 12। चलिए वैसे वाले चले जाएं, फिर उसके बाद आप मिलते हैं। ओके, फाइनली अब हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता। वाईफाई वाला चला गया, हम बनाते हैं नाश्ता। हमारा नाश्ता बन गया है, हम करने लगे हैं अब नाश्ता। तो हम करेंगे अब नाश्ता, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट। तो हम करेंगे नाश्ता, फिर बाद मिलते हैं। ओके। हमने कर लिया है नाश्ता और हमारी अम्मी भी आ चुकी हैं। अम्मी आ गई हैं, अम्मी तो आ गई हैं, बट अम्मी क्यों हो रहा है सर में दर्द। तो अम्मी कह रही है हमारे लिए चाय बना दो, हमारे हो रहा है सर में दर्द। तो मैं मेरे के लिए बना रही हूँ चाय। मेरे के लिए बनाते हैं चाय, फिर बाद में आप। तो हमने रख दिया है चाय का पानी, तो बन जाएगी चाय। अहमद तो स्कूल से आके सो गए, इसलिए हमारे घर में हो रही शांति, थक जाते हैं। और अहमद के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। क्या कह रही, क्या लाए थे? ब्रेड ही लाए थे, ब्रेड मक्खन। पापा लाए थे। अच्छा, इसी पे सेक दूँ या फ्राई करूँ? फ्राई करूँ? चलो फिर सही है, फ्राई कर रहे हैं। मम्मी कह रही है हमारी ब्रेड फ्राई कर दो, मम्मी के ब्रेड करते हैं फ्राई। हमारे साथ हो गया एक मसला, वाईफाई वाला आया था, तो हर बार सब लगाती उसने, तो हमें यहाँ इधर लगवाना था वाईफाई दिल्ली से। तो यहाँ पर जो जिस पर रखते हैं ना स्टैंड टाइप होता है, वो लगेगा। उसने पापा से कहा कि मैं ड्रिल मशीन लेकर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद लगा दूँगा। पापा से कह के चला गया। अब इतनी देर हो गई, 2 घंटे हो गए पूरे, अभी तक नहीं आया। फिर पापा ने फ़ोन करा, तो उनका जो मालिक होता है उसने फ़ोन उठाया, तो बोला कि क्या कहते हैं, हम वो नहीं लगाते, हम स्टैंड नहीं लगाते, वो आपको लगवाना पड़ेगा। तो पापा ने कहा, तो वो मुझसे बोल के तो जाता कि हम वो नहीं लगाते, उसने मुझसे बोल के गया कि हम मैं ड्रिल मशीन लेने जा रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जा रहा हूँ। तो ये हो गया मसला। अब पापा गए हैं बाहर किसी को लेने, जो वो टाइम फिक्स कर सके। तो आज भी हमारा वाईफाई नहीं लग पाएगा, आज भी गया। और मेरी वीडियो अपलोड बहुत देर में होती है, मेरी फ़ोन की एमबीपी ख़त्म हो जाती है, इसलिए वाईफाई लगवाना था हमें, बट वो
आज भी गया वो, कल आएगा सुबह, कहें कि तो जाता भाई, हमने लगा सकते, कहा भी नहीं उसने और चला गया। देखो पापा लेकर आते हैं किसी को, आ जाए तो अच्छी बात है, आज आ जाएगा, लग जाएगा तो ठीक है, हमारे वाईफाई का मसला ख़त्म हो जाएगा। चलिए वेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वेट करेंगे, आएगा ठीक है, नहीं आएगा वही, हमारे फ़ोन की एमबी ख़त्म होगी इतनी देर में। तो हमारा जो मसला था ना वो सॉल्व नहीं हुआ, ना वाईफाई वाला आया है और ना ही फ्रेम लगाने वाला आया है जिसपे वाईफाई रखा जाए। तो हमारा वाईफाई नहीं लगा, बात चली गई कल पे कि हो सकता है कहाँ शायद कल लग जाए, पर वाईफाई वाला नहीं आया, क्या क्या कर सकते हैं। पापा गए हुए थे, कोई भी नहीं आया लगाने, कोई मिला ही नहीं जिससे हम लगवाते हैं, वो बिजी है। अब बात चलेगी कल पे, कल आएंगे तो कल वाईफाई रहेगा, कल ही सब कुछ आएगा। तो देखते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसी पागल बनी हुई हूँ, क्योंकि मुझे करना है काम, इसलिए आज सब सामान सेट करना है, इसलिए मैंने अपने कपड़े चेंज वगैरह नहीं करे, इसलिए मैं ऐसे पागलों की तरह कर रही हूँ। तो हमें करना है बहुत काम, इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, हाफिज़।